दोस्तों, जब मैं शुरुआती दिनों में स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस के लिए कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर तो टन्स ऑफ इंडिकेटर है। उसमें से मेरे लिए कौन सा इंडिकेटर है जिसके बेस पे मैं ट्रेडिंग करके और एनालिसिस करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ। आप ही की तरह मैंने भी RSI, MACD, बॉलिंगर बैंड, ये सब इंडिकेटर मैंने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना। और उसके बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो इंडिकेटर होते हैं तो ये सभी इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, यानी कि ये जो इंडिकेटर है तो इनकी वजह से प्राइस कभी भी ऊपर या तो नीचे नहीं जाता है। फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद में ये जो वीडियो मैं आपके सामने देने वाला हूँ, इसके बाद में जो है जब मेरे हाथ में ये इंडिकेटर लगा तो उसके बाद में मुझे टेक्निकल एनालिसिस के लिए कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर मेरा जो ये इंडिकेटर की कोस्ट थी यहाँ पर ख़त्म हो गई। और आपके लिए भी ये रियलाइज़ आपको हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में और इसको बैक टेस्ट करने के बाद में कि ये जो इंडिकेटर मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है तो मार्केट जो लोग इसको अप या तो डाउन लेके जाते हैं, यानी जो बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से आपको क्या होता है कि उनके साथ में आप जो है तो वो बाय कर सकते हैं, वो कहाँ पर सेल कर रहे हैं तो आप सेल कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक्यूरेट पता चलता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो इंडिकेटर है तो ये MACD या RSI जैसे अपनी पोजीशन बदलते हैं तो वैसा नहीं है, ये स्टैग्नेंट रहता है, और इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो को आप अगर एंड तक देखते हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। और आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें ताकि आप जो है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, मेरी ज़िंदगी इस इंडिकेटर की वजह से बदल गई है, आपकी भी बदल सकती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पिवट पॉइंट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें सेंटर में एक लाइन होती है जिसे सेंटर पिवट पॉइंट कहा जाता है। इसके ऊपर रेजिस्टेंस की R1 यानी रेजिस्टेंस 1, R2 यानी रेजिस्टेंस 2 और R3 यानी रेजिस्टेंस 3 की लाइन होती है। सेंटर पिवट पॉइंट के नीचे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 की लाइन्स होती है। इन सबको मिलाकर बनता है पिवट पॉइंट। अब देखते हैं कि CPR इंडिकेटर कैसा होता है। CPR में पिवट पॉइंट के कंपेयर में सेंटर में पिवट पॉइंट के अलावा और दो लाइन होती है। ऊपर वाली लाइन को टॉप CPR कहा जाता है और नीचे वाली लाइन को बॉटम CPR। इन तीनों लाइन को मिलाकर बनता है CPR यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज। CPR के ऊपर और नीचे सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस होती है जो नॉर्मल पिवट पॉइंट में होती है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि भले ही इसके नाम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये निफ्टी का चार्ट है जिसके ऊपर CPR प्लॉट किया है और उसे तीन अलग अलग टाइम फ्रेम पर लगाया है, जिसमें एक नंबर पर 5 मिनट, सेकंड 15 मिनट, थर्ड 30 मिनट। ये लाइन प्रीवियस डे हाई की लाइन है। तीनों टाइम फ्रेम पर प्राइस ने प्रीवियस डे हाई के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया, जिसके बाद बड़ा रिवर्सल आया। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो पिवट पॉइंट और CPR है, प्राइस इसका रिस्पेक्ट करता है और जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ये इसी के बेस पर जो है तो वो ट्रेडिंग करते हैं। CPR और पिवट आपके चार्ट पर है तो आपको ये एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल डिफाइन करने में आपकी मदद करता है। इस एग्जांपल में यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करके यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे, फिर से यहाँ पर लॉन्ग एंट्री करके यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे। इसके अलावा CPR और पिवट की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स जो मार्केट को अप या डाउन ले जाते हैं वो कहाँ पर एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं।
रहे हैं। रिटेल ट्रेडर कहां पर ट्रैप हो चुके हैं, उनके स्टॉप लॉस कहां पर है। लेकिन दोस्तों, ये सब समझने के लिए आपको प्राइस एक्शन का आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में आपको प्राइस एक्शन की वजह से यहां पर सब कुछ होता है। प्राइस ही यहां पर सुप्रीम है, यानी कि सब कुछ यहां पर प्राइस की वजह से होता है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है और वीडियो को एंड तक देखना है, इसके मैं आपको सीक्रेट रिवील करने वाला हूं। इस एग्जांपल में देखेंगे तो ये लेटेस्ट 16 जून 2022 का चार्ट है। बहुत से लोगों ने ये ट्रेंडिंग डे मिस किया होगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कब स्टॉक ट्रेंड में रहने वाला है और कब साइडवेज रहने वाला है। आप CPR की मदद से ये सब कुछ एक दिन पहले पता कर सकते हैं। इस दिन मैंने CPR सपोर्ट ब्रेक होने के बाद पुट ऑप्शन बाय करके यहाँ पर एग्जिट किया था। ट्रेड थोड़ा जल्दी एग्जिट करने के पीछे का कारण थर्सडे था और उस दिन वीकली एक्सपायरी होती है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक नैरो CPR है और एक वाइड CPR है। जब नैरो CPR होता है तो हर बार नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम स्टॉक ट्रेंडिंग में रहता है। और जब भी CPR वाइड रहता है तो स्टॉक हर बार नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम साइडवेज रहता है, यानी एक रेंज में ट्रेड करना होता है। आपको ये तो पता चल गया कि कैसे CPR वर्क करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही इसमें इंटर कर जाना है। इसके लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। ये तो था ये इंडिकेटर के बारे में, लेकिन आपको मैंने इसका सिर्फ आपको इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया है। इसके सीक्रेट आपको जानना है और आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, या तो आप मेरे बाकी के वीडियोज भी देख सकते हैं। और आप इंटरेस्टेड है इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप मैं मेरे कोर्स में क्या क्या सिखाता हूँ इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करने का तो आपका हक बनता है।